हम आपसे ये पूरी उम्मीद करते हैं कि फिर से हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलर, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनकर आएगा, जहां से आने वाले वक्तों में हमको नई राजनीति देखने को मिलेगी, पढ़े लिखे लोगों की राजनीति देखने को मिलेगी, सेकुलर माइंड को लेकर हम लोग जो है हमारे देश को आगे बढ़ा सकेंगे। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज जो मौजू और आज जो एक बहुत ही अच्छा, एक औरंगाबाद अपडेट्स की तरफ से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपके लोगों के लिए लेकर आए हैं, उसका नाम है उभरते हुए सितारे। अब ऐसे उभरते हुए सितारे, अक्सर आपने देखा होगा कि औरंगाबाद के अंदर ऐसा टैलेंट कूट कूट कर भरा गया है कि कई टैलेंटेड नौजवान जो हैं अपने आप को रोके हुए हैं। सबसे पहली वजह तो उसकी ये है कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो सिंगिंग फील्ड हो, डांसिंग फील्ड हो, या पढ़ाई लिखाई की फील्ड हो, कहीं ना कहीं वो अपने आप को दम तोड़ देते हैं। इसलिए दम तोड़ते हैं कि उनको सही से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। दूसरी बात एक ये है कि दूसरी जगह ऐसा देखा गया है कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी ही जनता, हमारे ही समाज, हमारे ही लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। कहीं ना कहीं ये गलतियाँ हम कर बैठ रहे हैं, इसीलिए हमारा औरंगाबाद का नाम आगे नहीं जा पा रहा। इसीलिए औरंगाबाद अपडेट्स आप लोगों के लिए उभरते सितारे एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, उसमें हम MIM पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, मनसे, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, इन सब पार्टियों के ऐसे चेहरे जो हो सकता है आने वाले वक्तों में फिर हमारे शहर के अंदर MLA बन जाए, खासदार बन जाए, कॉरपोरेटर बन जाए, या कोई ऐसा नाम लेकर औरंगाबाद का वो रोशन करे कि जिससे पूरी दुनिया औरंगाबाद को जानने लग जाए, पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा जानने लग जाए। ऐसे टैलेंट हमारे पास आज मौजूद है। आज ऐसा नहीं है कि हमारे पास मौजूद नहीं है, मौजूद है, लेकिन उसका सबसे बड़ी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि या तो उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या तो हम ही, हमारे ही लोगों ने, हमारे करीब लोगों ने, या हम लोगों ने उनको जो है आगे बढ़ने नहीं दिया। जब वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग उनको कमेंट करते हैं, कोई ऐसे कमेंट करते हैं जिसकी वजह से उसकी उनकी हिम्मत जो है पस्त हो जाती है, वो हार जाते हैं। अब ऐसे टैलेंट को लेकर मैं अल्ताफ हुसैन औरंगाबाद अपडेट्स की ओर से आप लोगों के लिए उभरते सितारे, ऐसे नौजवान, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से औरंगाबाद उन्हें याद रखा जाए, औरंगाबाद उन्हें याद रखे, ऐसे नौजवान हो, लड़का हो या लड़की हो, आप, हम जिन लोगों से मिलेंगे तो मिलेंगे ही, लेकिन हम आप लोगों से उम्मीद रख रहे हैं कि आप लोग ज़रूर ऐसे लोगों से हमको मिलाएंगे। और आप चॉइस करिए, बताइए कि कौन ऐसा नौजवान है या कोई ऐसी एक लेडी है जो आगे बढ़ चढ़ कर जो है काम आ सकती है, पूरे औरंगाबाद हो या पूरे शहर हो या पूरी हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छा नमूना बन सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि कई हमारे औरंगाबाद के नौजवान इंडियन आइडल तक गए, क्रिकेट में बहुत दूर तक चले गए, पॉलिटिशियन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। ऐसे टैलेंट को हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप किसी को गलत भी ना बोले, किसी को हम आगे बढ़ने से ना रोके, हम उसकी हिम्मत अफजाई करें, उसको आगे बढ़ाए, उसकी हिम्मत को बढ़ाए, ना ही कि उसकी हिम्मत को तोड़कर उसको वहीं पर जो है उसके टैलेंट को दबा दे। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग टैलेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं, लोग कहते हैं कि ये कहां से आगे जाएगा, या लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ इस हद तक रहेगा या उस हद तक रहेगा, किसी को किसी के बारे में कुछ ना मालूम होते हुए कोई किसी के बारे में कमेंट करता है। तो प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अगर सुधरेंगे तो हमारा शहर सुधरेगा, अगर हमारा शहर सुधरेगा तो हम आपसे ये पूरी उम्मीद करते हैं कि फिर से हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलर, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनकर आएगा, जहां से आने वाले वक्तों में हमको नई राजनीति देखने को मिलेगी, पढ़े लिखे लोगों की राजनीति देखने को मिलेगी, सेकुलर माइंड को लेकर हम लोग जो है हमारे देश को आगे बढ़ा सकेंगे। फिर दूसरी बात करते हैं हम खेल की, तो हमने देखा है कि अक्सर ऐसे टैलेंट हमारे पास मौजूद है जो इंडिया टीम के लिए खेल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो लोग बेचारे कहीं ना कहीं दब गए हैं। अब हम ही अगर इनका टैलेंट लेकर आगे नहीं आएंगे तो कौन इनको आगे बढ़ाएगा? सिंगिंग फील्ड में आप देखिए, इंडियन आइडल तक हमने देखा है कि औरंगाबाद के सिंगर गए हैं, ZTV पे इन औरंगाबाद के सिंगर्स आगे तक पहुंचे हैं, लेकिन पता नहीं कि क्यों आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो हमने ही हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने, हमारे दिगर अतराफ ने इनको बढ़ावा नहीं दिया। अगर यही लोग इनको बढ़ावा देते तो ये लोग आज बहुत आगे जाते। इसीलिए औरंगाबाद अपडेट्स आप लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप अगर हमारी नज़रों से कोई लोग छूट रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर, उसके अलावा स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, सबसे अहम बात हमको ये आपको बता रहे हैं कि कोई ऐसा टैलेंटेड अगर आप, कोई ऐसा बंदा या बंदी है तो आप प्लीज़ हमें डायरेक्ट कॉल करें,
आप भी हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बोले तो ही आपके पास हम लोग आए, हम लोग प्लीज़ आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसलिए फिर औरंगाबाद अपडेट्स की तरफ से अपील है कि बगैर सोचे समझे किसी को प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट ना करे, कोई ऐसी चीज़ ना बोले जिसकी वजह से उसका दिल दुखे, वो टैलेंट को जो है अपना पूरी तरह दबा दे। औरंगाबाद अपडेट्स आप लोगों के लिए बहुत जल्द जो है यानी कि आज कल या परसों से उभरते सितारे आप लोगों के सामने लेके आएगा। प्लीज़ हमें कॉल करिए, स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है। कैमरामैन ज़ियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।